मित्रों एक घटना से आप सभी को पुनः जोड़ता हूं जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। स्वागत। क्या बात है? टीवी में बार बार सिर्फ बातचीत चल रही थी, हम पाकिस्तान का ये करेंगे वो करेंगे। आए दिन हमारे बेटों को मारा जाता है। उरी में सोते हुए हमारे 19 बेटों को मार दिया गया, तब सर्जिकल स्ट्राइक में जाकर बदला लिया गया और 19 के बदले 40 नामुराद पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर बदला लिया गया। पुनः वह दृश्य आप सभी के आंखों में याद दिलाना चाहता हूं। क्या हुआ था उस सर्जिकल स्ट्राइक में कि बंद हुए दरवाजे वार्ता के सारे, देखो पाकिस्तान से वार्ता बंद कर दी गई। बंद हुए दरवाजे वार्ता के सारे, देखो पाक की जमीन में भूचाल कैसा आया है, पाक की जमीन में भूचाल कैसा आया है। आंसू पे हमारे ताली देते थे जो कल तक, यही तो करते आए हैं ना वो आज तक। आंसू पे हमारे ताली देते थे जो कल तक, उनके रुदन का तो वक्त खास आया है, उनके रुदन का तो वक्त खास आया है। और फौजी बना महाकाल निकला संहार हेतु, फौजी बना महाकाल निकला संहार हेतु, तांडव ने दुष्टों का दिल दहलाया है, तांडव ने दुष्टों का दिल दहलाया है। बिल में छुपा हफीज शरीफ भी चूहा बना, बिल में छुपा हफीज शरीफ भी चूहा बना। भारत ने छाती 56 इंच का दिखाया है, भारत ने छाती 56 इंच का दिखाया है। बढ़िया 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 बढ़िया। परंतु मित्रों हमारी युवा पीढ़ी उनके योगदान को भूलने लगती है और जेएनयू में नारे लगने लगते हैं देशद्रोही युवा के द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है। अरे मित्रों यहाँ पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, वो मुसलमान है लेकिन पहले उनकी प्राथमिकता भारतीयता है। एक बार चाहता हूँ जोरदार इनके लिए ताली। ये कलाम और हमीद की परिपाटी को मानने वाले मुसलमान भाई है जो हिंदू नववर्ष और नवरात्र के अवसर पर अपना योगदान देते हैं। प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को मेरे मुसलमान। आप जैसे मुसलमान भाइयों के कारण ही देश टिका हुआ है। चार पंक्तियां रखता हूं मित्रों। जब ऐसे युवा नारे लगाने लगते हैं तब उसे तमाचा मारते हुए चार पंक्तियां रखता हूं कि आजादी के दीवानों को कभी ना भूल जाना तुम। जब ये भूलने लगते हैं आजादी को, आजादी के दीवानों को कभी ना भूल जाना तुम, वतन के उन सितारों को कभी ना भूल जाना तुम, और हमारे कल की खातिर हंसते हंसते झूले फांसी पर, हिंद के उन सितारों को कभी ना भूल जाना तुम, हिंद के उन सितारों को कभी ना भूल जाना। यह देश संतों की भूमि है, परंतु एक असंत बलात्कारी असंत जिन्होंने संतों को बदनाम करने का काम किया है। चार पंक्तियों के माध्यम से यह पावन धरती है, यहां से जवाब देना चाहता हूं उस असंत को। कहता हूं कि धर्म सनातन के इस गंगधार में जो नालियों का पवित्र नीर घोलते हैं जी, धर्म सनातन के इस गंगधार में जो नालियों का पवित्र नीर घोलते हैं जी, धरबाना भगवा पहन कंठ हार जो कि खुद को यहाँ पे बाबा पीर बोलते हैं जी, और दास दास कहते जो स्वयं भगवान बन काम के अधीन हो अधीर डोलते हैं जी, काम के अधीन हो अधीर डोलते हैं जी। ऐसे पापियों के मुंड काट के संहार करो आस्था के नाम पे जो चीर खोलते हैं, ऐसे पापियों के मुंड काट के संहार करो आस्था के नाम पे जो चीर खोलते हैं जी। बढ़िया बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार चाहता हूँ पुनः जोरदार ताली हमारे कवि मित्र भाइयों के लिए बजाए, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं और ये दर्शाता है आपकी सभी कवियों को स्नेह देना कि आप किस तरह की कविता को पसंद करते हैं और ये कौन सी भूमि है। आगे रखता हूं मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक दो मुक्तक उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। किसान की बात निकलती है, जब मैंने जवान की बात की मिट्टी की बात की, परंतु किसान की बात आजकल कौन करता है मित्र। किसान की दयनीय हालत आप जानते हैं, हमेशा ये फांसी लगाकर कभी मरने की खबर आती है, कभी जहर खाकर मरने की खबर आती है। चार पंक्तियां जब इस देश में किसान मरने लगता है तब रखता हूं। बढ़िया बढ़िया। कि किसानों की हालत क्या है, अगर मैं किसानों की हालत को सही तरीके से रख पाया तो मुझे ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत। कि है किसान अस्त व्यस्त, है किसान अस्त व्यस्त, व्यवस्था से बड़ा त्रस्त, अखियों में आंसू लिए पूछता सवाल है, क्या बात है। किसान अस्त व्यस्त,
व्यवस्था से बड़ा त्रस्त आंखियों में आंसू लेके पूछता सवाल है। हाड़ तोड़ श्रम कर अन्न को उगाने वाला, हाड़ तोड़ श्रम कर अन्न को उगाना उगाने वाला, क्यों विवश कौड़ियों में बेचने को माल है। हाड़ तोड़ श्रम कर अन्न को उगाने वाला, क्यों विवश कौड़ियों में बेचने को माल है। कि तका देखो बार बार द्वारे आता साहूकार, तका देखो बार बार द्वारे आता साहूकार, कैसे वे चुकाए कर्ज सोच के बेहाल है। अब मौत ही है बेहतर जिल्लत की जिंदगी से, इसीलिए झूले फांसी चुन रहे काले है। मौत ही है बेहतर जिल्लत की जिंदगी से, इसीलिए झूले फांसी चुन रहे काले है। बहुत बढ़िया। अंतिम एक कविता रखता हूँ मित्रों, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत स्वागत। यह भारत सिर्फ भूया नहीं है, भूया जमीन नहीं है, यह बात शशि भूषण जी ने कही। वाह जी। यह हमारी माँ जिस पर खेल कूद कर हम बड़े हुए, परंतु यहाँ पर हमीद और कलाम को की परिपाटी का व्यक्ति बैठा हुआ है, जो हिंदू नववर्ष पर भी अपना बराबर योगदान देता है, परंतु एक हैदराबाद का चुना हुआ सांसद, उसने क्या कहा कि ये धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, मैं इसे माँ क्यों बोलूंगा, मैं वंदे मातरम क्यों बोलूंगा। तब इस सिलहाटी से उसे जवाब देने का प्रयास करता हूं मित्रों, कहता हूं पंक्तियां रखता हूं, ये जमीन कौन सी जमीन है कि जिस भूमि को कलाम ने मरते दम तक मान दिया, जिस भूमि को कलाम ने मरते दम तक मान दिया, जिसकी खातिर ही हमीद ने न्योछावर था प्राण किया, जिसकी खातिर ही हमीद ने न्योछावर था प्राण किया, जिस भूमि कोई महिमा को वेदों ने भी बतलाया हो, वंदे मातरम कह करके वीरों ने माथ नवाया हो, और जिस भूमि के लिए जवानी सूली पर चढ़ जाती हो, और जिसकी आन की खातिर बहने अपना सिंदूर मिटाती हो, जिसकी आन की खातिर बहने अपना सिंदूर मिटाती हो, और जिस माँ ने पावन हाथों से तुझको इतना प्यार दिया, जिस माँ ने पावन हाथों से तुझको इतना प्यार दिया, जिस माँ ने पावन हाथों से तुझको इतना प्यार दिया, अरे बोल ओएसी उस माता पर फिर तूने क्यों वार किया, बोल ओएसी उस माता पर फिर तूने क्यों वार किया। दिया हवाला संविधान का भारत माता ना बोलूंगा, इस सांसद ने कहा कि संविधान के किताब में कहीं पर यह लिखा नहीं गया है कि इस धरती के टुकड़े को मैं माता कहूं, तो मैं क्यों इसे वंदे मातरम कहूंगा। तब मैं कहता हूं कि दिया हवाला संविधान को का दिया हवाला संविधान का वंदे मातरम ना बोलूंगा, छुरी अड़ा दो गर्दन पे पर अपना मुंह ना खोलूंगा, कौन था पहले आया मुझको या थोड़ा बतला दे तू, संविधान था पहले या फिर पहले हिंद दिखा दे तू, अरे अम्मी को तू अम्मी क्या संविधान देख कर बोलेगा, अरे अम्मी को तू अम्मी क्या संविधान देख कर बोलेगा, अरे कुर्ते पैजामे भी क्या संविधान देख कर पहनेगा, कुर्ते पैजामे भी क्या संविधान देख कर पहनेगा, अरे सिर्फ भूमि का खंड समझना धरती है या अभिनंदन की, सिर्फ भूमि का खंड समझना धरती है या अभिनंदन की। अटल बिहारी जी ने इस भूमि के बारे में कहा था कि यह सिर्फ भूमि नहीं है, इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसका हर कण पावन है, यहाँ नदियों को भी पूजा जाता है। तब कहता हूं कि सिर्फ भूमि का खंड समझना धरती है या अभिनंदन की, जिसकी मिट्टी माथ लगाई जाती है उस चंदन की, अरे जिन्ना के औलाद तुझे सुन देश आज शर्मिंदा है, अरे शुक्रमना ऐसा कहकर भारत में अब तक जिंदा है, शुक्रमना ऐसा कहकर भारत में अब तक जिंदा है, अरे माना सोए हैं कुछ पर एक दिन जब सारे जागेंगे, अभी मेरे कुछ भाई भारतवर्ष के सो रहे हैं और उन्हें ही जगाने के लिए थान खमरिया से मैं सिलहाटी और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष की यात्रा करता हूं मित्रों, मेरे काव्य का मिशन ही यही है। तब कहता हूं कि सिर्फ भूमि का खंड समझना धरती है या अभिनंदन की, जिसकी मिट्टी माथ लगाई जाती है उस चंदन की,
अरे जिन्ना के औलाद तुझे सुनते से आज शर्मिंदा है, अरे सुक्रमना ऐसा कहकर भारत में अब तक जिंदा है, सुक्रमना ऐसा कहकर भारत में अब तक जिंदा है। अरे माना सोए हैं कुछ पर एक दिन जब सारे जागेंगे, तेरे जैसे आस तीन के सांप पाक तब भागेंगे। अरे जिन्ना के औलाद तुझे सुन दे से आज शर्मिंदा है, सुक्रमना ऐसा कहकर भारत में अब तक जिंदा है। अरे माना सोए हैं कुछ पर एक दिन जब सारे जागेंगे, और तेरे जैसे आसतीन के सांप पाक तब भागेंगे, तेरे जैसे आसतीन के सांप पाक तब भागेंगे। और तब क्या होगा, तब क्या होगा मित्रों, हैदराबाद को पाक बनाना सपना तेरा रह जाएगा, हैदराबाद को पाक बनाना सपना तेरा रह जाएगा। आएगा वह दिन जब तू भी वंदे मातरम गाएगा, आएगा वह दिन जब तू भी वंदे मातरम गाएगा। नील कहे जिस हृदय में प्रेम ना मुल्क के खातिर बसता हो, नील कहे जिस हृदय में प्रेम ना मुल्क के खातिर बसता हो। अरे कुछ लो सिर ऐसे सांपों का जो राष्ट्र को मेरे डसता हो, अरे कुछ लो सिर ऐसे सांपों का जो राष्ट्र को मेरे डसता हो, अरे कुछ लो सिर ऐसे सांपों का जो राष्ट्र को मेरे डसता हो। भारत माता की वंदे, वंदे। धन्यवाद।